ने मुझे जान से मार के कई धमकी दी, मेरे साथ मारपीट की। गृह जिले जोधपुर में कांग्रेस की टिकट पर पार्षद का चुनाव लड़ रहे एक शख्स की गुंडागर्दी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं, जिसमें कांग्रेस नेता और पार्षद प्रत्याशी शहाबुद्दीन अपने वार्ड के एक निर्दलीय प्रत्याशी और उसके समर्थकों के साथ मारपीट करते दिख रहे हैं। आरोप है कि कांग्रेस प्रत्याशी शहाबुद्दीन निर्दलीय प्रत्याशी सुहेब हुसैन के चुनाव लड़ने से नाराज थे, इसी को लेकर कांग्रेस नेता ने सुहेब हुसैन के साथ मारपीट की। मारपीट की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। इस दौरान वीडियो में एक पुलिसकर्मी भी दिख रहा है, जो किसी को रोकने के बजाय चुपचाप खड़ा देख रहा है। मामले में पीड़ित निर्दलीय उम्मीदवार सुहेब हुसैन ने एक वीडियो जारी करके कांग्रेस प्रत्याशी शहाबुद्दीन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शहाबुद्दीन ने मुझे जान से मार के कई धमकी दी, मेरे साथ मारपीट की। मेरे भाई कजन मोहम्मद अतीक को बहुत बेरहमी से मारा, उसका मोबाइल तोड़ दिया और हमें ये कहा गया कि हमें जान से मार के वो जमीन में गाड़ देगा। हम उसके सामने निर्दलीय तौर पर क्यों खड़े हुए, हम उसके सामने निर्दलीय तौर पर क्यों प्रत्यक्षी खड़े हुए, हमारा वोट उन्हें क्यों पड़ रहा है, वो आप यहाँ से चले जाइए, आप बिल्कुल अपने घर में बैठ जाइए वरना हम आपको जान से मार देंगे, ये कहकर उसने मेरा गिरेबान पकड़ कर उसने मारपीट शुरू की। मेरे भाई को मारा, दो अतिरिक्त लोगों को और मारा, इसमें शहाबुद्दीन, उसका ड्राइवर और अन्य लोग साथ में थे। मामले को लेकर खंडफलश थाना पुलिस का कहना है कि घटना का पता लगते ही पुलिस ने परिवाद दायर कर लिया है, पीड़ित के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उपस्थित आते हैं, अपना स्टेटमेंट नोट करवाते हैं, तो उसके ऊपर हम हमारी नगरी में अनुसंधान करके जो भी कार्रवाई होगी उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें सीसीटीवी फुटेज, वीडियो अभी हमारे सामने नहीं आया है। अगर परिवार ही अपना स्टेटमेंट नोट करवाते हैं तो उसके बाद में अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो हम वो वीडियो कलेक्ट करके उसको अनुसंधान में शामिल करेंगे। दरअसल कांग्रेस नेता शहाबुद्दीन और निर्दलीय प्रत्याशी सुहेब हुसैन ने जोधपुर उत्तर निगम से पार्षद का चुनाव लड़ा था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद चल रहा था। बहरहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। रविवार को जोधपुर दक्षिण में होने वाले चुनाव से पहले ये मामला तूल पकड़ रहा है।